एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हेयर स्टाइलिंग टूल्स जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ और कुछ नए एडिशन जो मेरे पास हुए हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग ऑल ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, तो मैं रेकमेंड भी कर दूंगी कि क्या आपको लेना चाहिए और क्या आपको नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं ये हेयर ऑयल से। इसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा बार बता चुकी हूँ, तो कोई सा भी हीट अगर मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों में, या मैं कर्ल कर रही हूँ, स्ट्रेट कर रही हूँ, या स्ट्रेटनर के थ्रू कर्ल कर रही हूँ, या समटाइम्स हेयर ड्राई भी कर रही हूँ, तो मैं इसको लगाती हूँ अपने बालों में, नीचे नीचे स्ट्रैंड्स पे ही लगाती हूँ एंड इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट। इससे ना बाल सॉफ्ट ही रहते हैं, ऐसे हार्ड नहीं होते हैं, तो आई रियली लाइक इट। इससे पहले मैंने लॉरियल का भी यूज़ किया हुआ है एंड लॉरियल के साथ साथ मैंने बायोलाज का यूज़ किया है और बहुत सारे यूज़ करे अलग अलग, मतलब आते जाते हैं तो मैं यूज़ करती जाती हूँ, बट ये मुझे अभी मेरे पास करंटली है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। नाउ अब आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट पे। दिस इज दी हेयर ड्रायर जो कि है क्रोमा ब्रांड का। इसकी जो पावर है वो है 1500 वॉट। अमेजिंग वर्क करता है ये। आप हीट सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोल्ड एंड हीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक और सेटिंग यहाँ पर है। अमेजिंग है, बहुत टाइम से मेरे पास है, आई थिंक 5 ईयर्स से ही मेरे पास है ये एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस वन। मतलब विक्की तो इसको ऑलमोस्ट जब भी हेयर वॉश करता है, चाहे विंटर्स हो, चाहे समर हो, चाहे रेनी सीजन हो, वो इसको हमेशा यूज़ करता आ रहा है। इवन मैं भी यूज़ करती हूँ, पर मैं बहुत यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि थोड़ा नॉर्मल एयर ड्राई बाल हो जाने चाहिए, बट हाँ समटाइम्स आपको नीड रहती है। सो आई रियली लाइक दिस वन। तो ये है हेयर ड्रायर। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगर आप हेयर ड्राई में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल हेयर ड्राइंग मेथड होता है, तो मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको रेकमेंड करूंगी, एलन ट्रूमैन का ब्लो ब्रश, इसको कहते हैं, एंड दिस वर्क्स अमेजिंग। मतलब ये आपको सैनो लाइक हेयर ड्राई करता है, आपके बालों को ड्राई तो करता ही करता है एंड साथ ही साथ आपको जो वो ब्लो ड्राई वाला जो इफेक्ट होता है ना, ये वो भी देता है। तो मैं ये बोलूंगी कि ड्रायर खरीदने की बजाय आप इस तरीके का ब्लो ब्रश ले सकते हैं। ये बहुत सारा काम करेगा। एक तो आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, दूसरा आपके बालों को जिस फॉर्म में आपको स्टाइल करना है वैसा स्टाइल करेगा, आपके बालों को ही ड्राई भी कर देगा। तो 3-in-1 टाइप ऑफ मेथड है। इसमें 3 तरह की सेटिंग्स दी हुई है, तो है हाई, लो, कूल एंड ऑफ। तो यहाँ पर कूल चलता है, बट कूल में ऐसा कुछ बहुत होता नहीं है, कुछ इफेक्टिव नहीं होता है। फिर यहाँ पे लो हीट है और एक हाई हीट है, तो जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पे यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आप नॉर्मल ड्रायर की जगह आप इस तरीके का ब्लो ब्रश ले सकते हैं। बहुत अच्छा है, हैंडी है, बहुत लाइट वेट है, मतलब आपको करते करते ऐसे हाथ नहीं दुखने लगेगा एंड अगर आप खुद ही अपने बाल स्टाइल करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, इज दिस कर्लिंग रॉड। मैं पहले बहुत कर्लिंग रॉड यूज़ करती थी, बट अब काफ़ी टाइम से मैंने कर्लिंग रॉड यूज़ नहीं करी है। ये है बाय द ब्रांड VNG प्रोफेशनल्स 228। बहुत सस्ती आई थी ये, बहुत ज़्यादा सस्ती आई थी। मैं हाँ, जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ मेरे बालों में डैमेज ज़रूर होता है, चाहे मैं कितना भी अच्छा हीट प्रोटेक्ट यूज़ कर लूँ या जो भी है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी शायद मुझे लगता है कि ये जो इसका रॉड है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस क्रिम्पर काइंड ऑफ अ थिंग। ये आई डोंट नो, इसका ना रखे कलर ही चेंज हो गया। दिस इज नॉट द डस्ट, ये इसके ऊपर फंगस लग गई है या पता नहीं क्या लग गया है, मुझे नहीं पता, बट ये पूरा ब्लैक कलर का था। बट ये देखिए, ये क्लीन भी नहीं होता। मैंने बहुत क्लीन करने की कोशिश करी, इवन हल्के से वेट क्लोथ से एंड थिनर से सबसे क्लीन करने की कोशिश करी, बट ये नहीं क्लीन होता है। हाँ, तो ये है क्रिम्पर। ये बेसिकली क्या करता है आपके बालों को, ये आपको इस तरीके से यहाँ पर रखने होते हैं और ये आपके बालों को क्रिम्प करता जाता है। यहाँ से ये ऑन होता है, ये ऑन हो गया है। थिंग्स कम करनी है या बढ़ानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है वो कम करूँगी, क्योंकि गर्म हो चुका है। मैं आपको एक स्ट्रैंड जो है ना वो बताती हूँ करके। ये इस तरीके से आपके बालों को क्रिम्प करता है ये, लाइक दैट। और क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये आपके बालों को ऐसे जलाता नहीं है। और मैंने बहुत दिनों बात किया है एंड आई रियली लाइक इट, अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये मेरी स्ट्रेटनर मशीन है। दिस इज़ फ्रॉम दी ब्रांड फिलिप्स। अमेजिंग स्ट्रेटनर है, बिल्कुल भी आपके बालों को ख़राब नहीं करता है। ये सैलो स्ट्रेट असेंशियल है एंड इनफैक्ट जब आप इससे स्ट्रेट करते हो तो आपके बालों में और शाइन आ जाती है। दूसरी चीज़, इसका जो ये
यहाँ से जो ब्रॉडनेस होती है ना वो थोड़ी नॉर्मल साइज की है, तो उसकी वजह से मैं इससे बहुत आराम से अपने बालों में कर्ल्स कर लेती हूँ। आउटर कर्ल्स, इनर कर्ल्स, जिस भी तरीके के मुझे कर्ल्स करने होते हैं मैं बहुत आराम से इसमें कर्ल्स कर लेती हूँ। सो आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स की मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मेरा स्पा कैप। स्पा कैप यूज़ करती हूँ, दिस इज़ अमेजिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, आपके बालों को ये स्टीम देता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो वो जो हॉट टॉवल को आपको भिगो करके फिर निचोड़ करके बालों में लगाना होता है, उससे बेटर है कि आप इस तरीके का एक स्पा कैप ले लें। और बस आपको 5 मिनट या मैं तो कहती हूँ 3 मिनट भी अगर आप जब भी हेयर क्रीम लगाएं उसको लगा करके बैठें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बालों में। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके गाइज, तो क्योंकि मैंने एक स्ट्रैंड जो है वो कर्ल इस तरीके से क्रिम्प कर लिया था, तो मैंने सोचा मैं बाकी भी इसी तरीके से स्टाइल कर लेती हूँ। लास्ट प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हाँ, मेरा जो रिकमेंडेशन है आप लोगों की तरफ, एक तो ये है सबसे मेन चीज़, अगर आपके पास अभी तक स्ट्रेटनर नहीं है तो आप एक स्ट्रेटनर ले सकते हैं, एक अच्छा सा स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर में भी आप ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा अच्छा सा स्ट्रेटनर लीजिए, डेफिनेटली आपका 8-9 ईयर्स तक आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो ले लीजिए तो आपका कर्ल भी हो जाएगा एंड आपका स्ट्रेट हेयर भी लुक भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ब्लो ब्रश रेकमेंड करूंगी मैं कि आप ब्लो ब्रश ले सकते हैं, इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। बाकी ये तो देखो ऐसा है कि अगर आपको शौक है तो डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप करते हैं आपको शौक है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आई वुड नॉट रेकमेंड। सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।